बुजुर्ग के साथ हुई धोखे को लेकर पीड़ित बुजुर्ग ने तहसील दिवस में जिलाधिकारी गौड़ा नेहा शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटिया मदारा के राजस्व ग्राम मोहन टेपरा का है, जहां के पीड़ित बुजुर्ग राम कुबेर ने तहसील दिवस में जिलाधिकारी गौड़ा नेहा शर्मा ने उनके साथ हुए धोखे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर जिलाधिकारी गौड़ा ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मई पीड़ित ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने बैंक का कर्जा माफ कराने के लिए 3 बीघा जमीन को बेनामा करा लिया है। पीड़ित ने कोड़िया थाने व कोतवाली करनेलगंज में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राम कुबेर पुत्र राम छबीले निवासी मोहन टेपरा थाना कोड़िया जिला गोंडा ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में लिखा है कि उसने कुछ वर्ष पहले बैंक से कर्ज लिया था, जिनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। प्रार्थी कुछ दिनों से गांव के ही विनोद कुमार पुत्र श्याम बिहारी लगातार मिलने रहते हैं। विनोद ने एक दिन प्रार्थी से कहा कि तुम्हारा कर्जा माफ नहीं होगा, सबका माफ हो जाएगा, जिसको लेकर प्रार्थी परेशान था। विनोद ने प्रार्थी से कहा कि कर्जा माफी का एक उपाय है, यदि अपनी जमीन हमारे नाम एग्रीमेंट कर दो। प्रार्थी की मानसिक हालत ठीक न होने पर वह विनोद के झांसे में आकर तहसील करनेलगंज चले गए, जहाँ विनोद ने प्रार्थी की जमीन को बेनामा करा दिया। 2 दिन बाद दाखिल खानिज का कागज जब गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि प्रार्थी की जमीन को उन्होंने बेनामा करा लिया है। पीड़ित ने बताया कि उनका एक लड़का है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। विनोद ने मुझसे 4 लाख रुपए की वसूली भी कर चुका है। वही जिलाधिकारी गौड़ा नेहा शर्मा ने न्याय का उन्हें आश्वासन दिया है। दादाजी, क्या नाम है आपका? राम कुबेर। गाँव कौन सा है? हरदीन परवा। मौजा कौन सा है? मोहन टेपरा। थाना कौन सा है? कवड़िया बाजार। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे खेत जो है ये विनोद कुमार मिश्रा ने बैनामा करवा दी है, झांसा पट्टी कट कर। हमें कहें कि तुमने तुहार कर्जा माफ करा देवे तो हमारे एग्रीमेंट कही दो, तो एग्रीमेंट लिखावे ये हुआ पर हम बैनामा करा दें। कितना खेत? 3 बीघा। पैसा वैसा कुछ दिए या ऐसे? कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं दिया। मतलब एग्रीमेंट कराने के चक्कर में बैनामा ही करवा लिए? हाँ। कितने परिवार हैं आप? हमारे एक निहारू है, वो आँखी से देखत नहीं है, अंधी है, और एक लड़का है, वो विकलांग है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब हमारी जमीन वापस करी है, अगर वापस न करी है तो हम 3 दिन फांसी लगाए मर जाए। आप तहरीर वगैरह कहीं दी है थानों में? हाँ, तहरीर पहले कवड़िया में दी है, उसके बाद में हम कोतवाली में दी है। फिर क्या हुआ दादा? हमने 1 बीघा खेत भाई साहब बेचा रहा, बैनामा वो पैसे जमा हो कर्जा महन हम जमा कर दी तो छुट्टी पाई गई, तो वो रुपया जो कुल ले ली है, अब उसके बाद में 3 बीघा खेतों बैनामा करा ली है। कितना रुपया था? 5 लाख रुपया उसके बेचे न है 1 बीघा। पूरा पैसा ले लिए? पूरा ले लिए। मतलब 5 लाख रुपया भी आपसे ले लिए? हाँ। और 3 बीघा खेत भी फराट करके बैनामा करवा? हाँ। लिए। और कर्जा भी देते जो है तो उन है वो। चाची, क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। गांव कौन सा है? हरदीनपुरवा। मौजा कौन सा है? मौजा। थाना कौन सा है? कोड़िया। क्या हुआ है आपके पति के साथ? क्या हुआ है, क्या मामला है? लड़की के हमारे शादी हुआ तो कर्जा माफ करावे खातिर वही कर्जा ना माफ करी है, अब 3 बीघा खेत है के लिख ली। के लिखा लीन? छोटको। कैसे लिखा लिए? मतलब इनका बच्चे कहीं कि आपके चलो हम तुम्हारा कर्जा माफ कर दिए। फिर क्या हुआ चाची? फिर कहने की अरे चलो तो का फिर माफ करा दे, हाँ अब वह खेतवा बेचिन है कौन कुल पैसा वही एको पैसा ना ही खाता ना ही है। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है एक लड़का। आदमी की आपके उम्र कितने साल होगी? हम का नहीं जानते शायद। अभी क्या चाहती हैं आप? हाँ, फिर आप क्या चाहती हैं? हमारा जमीन ना मिली, 3 हजार ने फांसी लगाई कि वही जमीन पर मर जाओ।
नाम है बेटा आपका? गेट कुमार पास है। गांव कौन सा है? अर्जुन पुरवा। मौजा कौन सा है? मोहन टेपरा। क्या मामला है, कैसे क्या हो गया? हमारे अम्मा अंधर हैं और सत्तों में सदा गेट लिखवा ली हैं। किससे लिखवा लिए हैं? पापा से। कितनी उम्र है आपके पापा की? 80। कितना खेत लिखवाए हैं? 3 बीघा है। क्या चाहते हैं अभी आप? खेत नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी लगा कर मर जाएंगे।